बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैकेंसी अपडेट में खुश आमदीद। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो नई वैकेंसीज आई हैं उसका क्या तरीक़ेकार है, उस पर कैसे अप्लाई किया जाए और लास्ट डेट क्या है और किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी हुई है, तो कौन कौन से कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल हैं, सब कुछ जानेंगे इस आज के छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं ऐड की तरफ। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आए दोस्तों, इनमें बहुत अच्छी सी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं दोस्तों। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वर्किंग अंडर पंजाब इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑफ 42 कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, इज अ सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज फॉर इट्स ऑफिस एंड सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट। इसमें सबसे पहला है दोस्तों सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों 4 years ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट फील्ड, प्रेफरेबल मास्टर फ्रॉम दी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या LLB आपकी क्वालिफिकेशन हो। इसके बाद दोस्तों एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, मिनिमम 8 साल का आपका तजुर्बा होना चाहिए उस फील्ड के मुतल्लिक, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो है किसी भी फील्ड में होना चाहिए। की स्किल्स दोस्तों क्या है, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड लीगल डायरेक्शन इन टेकिंग एनी डिसीजन रिलेटेड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। जी हाँ दोस्तों, की स्किल्स का मतलब ये है कि दोस्तों आपको जो मतलब जो नए विजिट करते हैं इंडस्ट्री वगैरह को, तो उनसे कम्युनिकेशन किस तरह करनी है दोस्तों, उनको जो है किस तरह हैंडल करना है, तो ये सब कुछ भी आपकी स्किल्स होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों एज जो है वो मिनिमम कम से कम आपकी 35 साल होना चाहिए। तो इसके बाद है दोस्तों HOD इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रेफरेबल मास्टर फ्रॉम दी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो कि ऐसे यूनिवर्सिटी से हो जो यूनिवर्सिटी HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके बाद दोस्तों इसका जो एक्सपीरियंस है वो 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैपको लेसको इन जो है वो कंपनीज में। और इसके बाद की स्किल्स इसी तरह जिस तरह पहले जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्रेटरी के की स्किल्स थे मैंने आपको पहले भी बताए हैं, तो इसके लिए भी आपकी की स्किल्स हैं और इसकी जो एज है मिनिमम कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे दोस्तों असिस्टेंट मैनेजर प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए जनाब ग्रेजुएशन इन रेलिवेंट फील्ड, प्रेफरेबली मास्टर डिग्री फ्रॉम दी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों इसका जो एक्सपीरियंस है वो 7 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपका रेलिवेंट फील्ड में। तो इसी तरह इसकी की स्किल्स हैं, एज आपकी मिनिमम होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए आपकी एज। तो इसके बाद दोस्तों है ऑफिसर IT, IT से रिलेटेड, यानी कि आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए इसके लिए इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो डिग्री है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए कम से कम, तो वो भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस 6 साल का कम से कम आपका तजर्बा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों इसकी जो मिनिमम कम से कम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों बिलिंग असिस्टेंट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस और
इसके साथ ही आपकी एज आपकी होनी चाहिए 20 साल, कम से कम 20 साल होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर लीगल, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए LLB, और प्रेफरेबल किया जाएगा मास्टर की डिग्री जिसकी होगी उसको प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद है एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस आपका जो है कानून की मैदान में, यानी कि कानून के जिस तरह अदालत होता है, कचहरी या वकील होता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट वकील होता है, तो उसके साथ जो है काम किए हुए आपको तजर्बा होना चाहिए 8 साल का मिनिमम, कम से कम आपका 8 साल का तजर्बा होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ लॉ। इस तरह दोस्तों, इसके बाद है एज आपकी मिनिमम 35 साल हो, 35 ईयर। इसके बाद टेक्नीशियन, टेक्नीशियन में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग या फिर उसके बराबर होना चाहिए, एंड मैट्रिक विद प्रोफेशनल कोर्सेज, मैट्रिक होनी चाहिए या फिर तालीमी काबिलियत। और इसके साथ ही आपका जो एज हो आपकी वो मिनिमम 20 साल, यानी कि कम से कम आपकी 20 साल होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों टेक्नीशियन कंट्रोल रूम, ये अपने बात याद रखनी है, ये टेक्नीशियन E-LAN है और ये वाला जो है वो टेक्नीशियन कंट्रोल रूम है, ये टेक्नीशियन कंट्रोल रूम 2। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन दोस्तों होनी चाहिए इंटरमीडिएट DAE, इसी तरह जिस तरह पहले आपको मैंने बताया, तो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए 20 साल। इसके बाद दोस्तों फायर फाइटर या ड्राइवर, इसकी जो है 5 जो है वो पोस्ट अनाउंस हुई है दोस्तों, तो इसके लिए आपका जो एक्सपीरियंस है वो मिडल प्रेफरेबल विद मैट्रिक, यानी कि जो मैट्रिक पास होगा उसको प्रेफर किया जाएगा, तरजीह दी जाएगी। तो इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो की स्किल्स हैं, यानी कि मस्ट बी रिस्पॉन्सिव एंड प्रोएक्टिव, वेल नो विद द नॉलेज ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, यानी कि फर्ज की अगर आग वगैरह बुझाना है, बुझानी है, तो आग फर्ज की अलग या किसी कंपनी या इदारे में या इंस्टीट्यूट में, तो आग बुझाने के जो आलात है उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसका नॉलेज होना चाहिए, यानी कि और आपकी कम से कम जो तालीमी काबिलियत है, तालीमी काबिलियत आपकी होनी चाहिए 18 साल। तो इसी तरह दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिडल और आपकी हाइट होनी चाहिए 5 फुट 6 इंच, याद रखना है 5 फुट 6 इंच। तो इसके बाद आपकी की स्किल्स होनी चाहिए फिजिकली आप फिट हो, बिल्कुल गुड बिहेवियर हो आपका। इसी तरह आपका एज जो है आपकी मिनिमम कम से कम 18 साल हो। इसके बाद है दोस्तों ट्यूबवेल ऑपरेटर, ट्यूबवेल को जलाने के लिए एक बंदा दरकार होगा, इनको इंटरमीडिएट DAE डिप्लोमा इन एसोसिएट या फिर मैट्रिक में प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ हो, तो 2 साल का तजुर्बा हो फॉर मैट्रिक, 3 इयर्स नॉलेज अबाउट ऑपरेशन ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रिकल मोटर मशीनरी, इसके बारे में नॉलेज हो मोटर वगैरह के बारे में, तो एज आपकी 20 साल हो। इसके बाद दोस्तों आर ओ ऑपरेटर, ये एक मशीन होती है दोस्तों, इसके लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट DAE इक्विवेलेंट फॉर दी मैट्रिक विद प्रोफेशनल कोर्सेज। तो इसके बाद है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और आपका 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है दोस्तों वो है 22 साल। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपकी DAE डिप्लोमा इन एसोसिएट होना चाहिए की डिग्री जो है वो होनी चाहिए और मैट्रिक विद प्रोफेशनल कोर्सेज। इसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रिकल हेल्पर है, मिडिल पास होना चाहिए, लेकिन जो जिस कैंडिडेट ने मैट्रिक की होगी उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही आपका मिनिमम कम से कम 1 साल का तजुर्बा होना चाहिए। इसके बाद एज जो है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए। मीटर रीडर्स के लिए आपके डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग और या फिर FSC भी हो सकती है, और लेकिन आपको जो स्किल्स है यहाँ पे गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वर्किंग एंड रीडिंग ऑफ डिजिटल मीटर विद एनी डिस्ट्रीब्यूशन
कंपनी और इंडस्ट्रियल एस्टेट, और आपका जो मिनिमम एज है वो 20 साल होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एंड में केबल ज्वाइंटर के लिए एक पोस्ट है, मीटर रीडर की दो पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग। और इसके बाद दोस्तों मिनिमम 2 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और मिनिमम आपकी 20 साल जो है वो एज होनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों तो इसके जो लास्ट लेटेस्ट बाई ईमेल या कोरियर के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू आपने जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स और दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और सीवी मुकम्मल जो है वो भेजनी है। सर्टिफिकेट और डिग्री वगैरह फ्रंट और बैक साइड दोनों इनकी जो फोटोकॉपीज हैं वेरीफाइड हो, सिग्नेचर हो, 18 स्केल के जो ऑफिसर है उनसे, तो गजटेड ऑफिसर से वो थ्रू ईमेल के जरिए इनको भेजना है, या फिर कोरियर के जरिए भी भेज सकते हैं। तो आफ्टर ड्यू डेट नो एप्लीकेशन विल बी इंटरटेन्ड, यानी कि मुकर्रर तारीख के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो है वो काबिले कबूल नहीं होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट यहाँ पर आपने भेजनी है। इनका जो ईमेल वगैरह है वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आपको इसका ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। अगर आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपने जाना है, और यहाँ पर जो है आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।